गुड मॉर्निंग म्याव म्याव, कोई कर रहे तू? अरे 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 अरे, कोई कर रहे तू? कोई कर रहे तू? कोई कर रहे हो माँ? कोई कर रहे हो रे लालू बाबू? कोई कर रहे हो? कैसे बैठे हो माँ? कैसे बैठे हो माँ? कैसे बैठे हो? कैसे बैठे हो? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अभी सुबह सुबह का टाइम है, हम उठे हैं और आज हमारा सारा सामान जाने वाला है फ्लैट पे। हमारे यहाँ पे आने वाले हैं गाड़ी घोड़ी वजूर वजूर हमारे, जो हमारी अलमारी वरमारी सब शिफ्ट करके देंगे। तो उसके पहले बहुत सारे काम है क्योंकि सारा चीज़ें भरना है और उधर भेजना है। कल रात में हमने किया था लेकिन अभी और है करने जैसा बहुत कुछ। तो मैं तो जस्ट उठी हूँ अभी 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 मॉर्निंग हुई है हमारी और मैं वो मेरे पास आके बैठ गया है। सुबह सुबह राह दिखते रहता है गोदी में कब बैठूंगा। सो आज दिन भर में क्या आने वाला है वो तो आपको हम पता ही देंगे जब व्लॉग शुरू है। तो और देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है, कैसे क्या क्या मुश्किल आती है, प्रॉब्लम क्या क्या आती है, कैसे पॉसिबल होता है। तो स्टे ट्यून और देखते हैं क्या क्या होता है। सो हम पी रहे अभी गर्म पानी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, पिछले आधे घंटा से म्याऊ मेरे गोदी में ही बैठा है, मुझे उठने नहीं दे रहा है। पागल कहीं का लड़का, ए उठने दे रही, इधर उधर इधर उधर देख रहा पर उठने नहीं दे रहा। इतने काम है मेरे को समझता नहीं क्या? उठा, फाइनली उठा, फाइनली उठा। अरे उठ के वही बैठ गया, ही देखो यहाँ बैठ गया उठ के। पागल लड़के उठ। कुर्सी भी निकाल के रखी है हमने, कचरा वाला आया घर से कचरा निकाल। चल रहा है और सब जन आ गए हैं, एक एक जाएंगे। ये वाली डालने दे, हम वो लेके जा, ये बाद में डालते, उसको आवाज दे के ला। चल बोल ला पत्थर। वीडियो चालू है क्या? मैं तो भूल गई ना प्रीता, ऊपर लाल वाले, इसको नहीं लाल वाले नहीं, उसके ऊपर एक व्हाइट वाला है। ये वाला है क्या? ये वाला? हाँ ये वाला। कुछ दिखी नहीं रही तू? तो खींच हमारे घर से। यहाँ पे और माचा था है ना? सुबह उठी हूँ तब से मैंने कुछ भी नहीं खाया, सब सामान भर दिया, मुझे भूख लगी है। कहाँ भर दिया? सब भर दिया नाश्ते का सामान। मम्मी बोल रही कि नाश्ते का सारा सामान अंदर भर दिया, मुझे हमने क्या खाना? तो आज तो मेरा प्रदोष ही हो गया, जबकि प्रदोष कल है। बिन्नी में सब भर दिया है और ये इतने अंदर का कोई नहीं करूंगी, क्या करेंगे, कौन सा काम है वो भी नहीं पता बरोबर। तो हम दे देते अभी गाय को रोटी। अरे चले गई रे, अरे 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 चले गई रे गाय। स्टंट कर रही क्या? रखना है इसको, घर पे रखना है कि बाहर? नहीं वो बालकनी में रखना है ना। क्या बोला? अरे जानू ना क्या पापा, कुछ तो भी पॉइंट चढ़ मारते पापा। अब ये ड्राइवर साहब का भी फोटो ले लो। चलो अरे गुलाब ना, गुलाब तोड़ना था क्या अपने का? गुलाब तोड़ूंगी क्या? रेंदे रेंदे जान दे, कोई खराब हो जाएगा तो तोड़ ले, तोड़ ले जान। भगवान को चढ़ा देना, कल जाएंगी तब निकलेंगी। तब यहाँ पे अपन रात को आएंगे तब तोड़ के लेके आएंगे, कोई नहीं तोड़ने वाला। कैसी रही थी बाया क्या मालूम भाई, वो हमारे जल्दी निकलो, हमारे जब तक के जल्दी निकलो, निकलो। बसन कसन तुम्ही एवढे लोक? बाय बाय सामान, बाय बाय सामान।
म्याऊ को म्याऊ दिख रहा, अरे बाप रे म्याऊ, हाँ म्याऊ दूसरा म्याऊ है, ओह ओह गिर जाएगा बरा म्याऊ, पूरा कार्ड गिर जाएगा। तो गाइस ये आ गई है मेरी मैगी, म्याऊ इधर सोई है पागल, मम्मी थोड़ा मोबाइल देख रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुबह से हम बहुत काम में बिड़ी है, और अभी हमारा सिर्फ एक ट्रक लोड हुआ है, अभी दूसरा लोड होना बाकी है, पर हम थोड़े रिलैक्स हो गए, मतलब भूख इतनी लगी है। मम्मी ने भी बिचारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। मम्मी तू क्या खाएंगी? कुछ नहीं खाएंगी मम्मी, खाना खाएंगी डायरेक्ट। तो मम्मी डायरेक्ट खाना खाएंगी, पापा का फोन आ रहा। सो गाइज अभी हमारी सेकेंड ट्रिप भी तैयार हो गई है। इस वाले ट्रिप में मैक्सिमम किचन का सामान ही जा रहा है हमारा, और अधिकतर बाकी सारा सामान चले गया, और जो हमको लेके नहीं जाना है वो हमने यही रखा है। हम आते रहेंगे और ले जाते रहेंगे जो हमको जरूरत पड़े यहाँ, और वहाँ नहीं पड़े वो यहाँ लाते रहेंगे, वो तो चलते ही रहेगा। सो अभी सब तैयार हो गया है जाने का। ये सब देख रहे हैं आप, सब बैठे भी है यहाँ पे ट्रक वाले भैया लोग वगैरह सब। तो मम्मी और मैंने सारे फलके बनाए हैं अभी, और मैंने जैसे कि नाश्ते में मैगी खाई थी, मम्मी ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि हमको बहुत टाइम हो गया, 2:30 बज रहे हैं, बट अब मम्मी खाएंगी, मैं मम्मी को खिला दूंगी क्योंकि मेरे को पता है मम्मी को बहुत भूख लगी है। अभी मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। मैं उकास हो गया है कूलर के ऊपर, मम्मी बोल रही है कि उसकी गद्दी निकल गई पलंग पे की, इसलिए उसको कुछ चाहिए तो इसलिए वो ऊपर सोया है। सही बात है, देख बता वो बराबर तक क्या लेके कैसे सोया है ना। क्या कर सकते, हमारे लिए भी वो घर नया ही होगा और म्याऊ के लिए और क्रिटिकल होगा, बट हम उसको धीरे धीरे आदत लगाएंगे जितना हमसे हो सके। वैसे भी आप जो मेरे चैनल को पहले से देख रहा है, या जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स है, या जो भी है, उन सबको पता है कि हम म्याऊ को नहीं रखने वाले थे, और बहुत लोगों को ऐसा लगता है यूट्यूब चैनल है इसलिए आप म्याऊ को मतलब जानवरों को पालते हो तो आके आपको कंटेंट मिल जाता है वगैरह वगैरह, बट मैं ही थी बोलने वाली कि नहीं मुझे इसको नहीं पालना चाहिए कहीं पे भी जाए, बट इसने अपना घर खुद डिसाइड किया है, हमको इसने खुद चॉइस किया है कि मैं यहाँ रहूंगा। और जैसे कि आप देख रहे हो 6-7 महीने तो होते आ रहे शायद उसको, तो अटैचमेंट भी देख चुके हो आप कितनी है, मतलब अब हम उसको हमारे लिए रख रहे हैं। पहले वो खुद होके आया था, और शायद जो लोगों को लगता है कि मैं YouTube कंटेंट के लिए जानवरों को पाल रही हूँ, तो नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये हमारे फैमिली का स्वभाव नहीं है, हम सब खिलाफ है इस चीज से। म्याऊ हमारा घर का मेंबर है और इसलिए हम उसको फ्लैट पे भी लेके जाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको पूरा ध्यान दे, उसकी पूरी चीजें पूरी करे, और कोई उसके खिलाफ कुछ बोल रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो हम उनको समझा सके कि म्याऊ का अब हमारा ही घर है। बट अभी देखो वो आगे कैसे सेटल होता है, भगवान करे, फिंगर क्रॉस कि उसका भी सब अच्छे से हो जाए, क्योंकि वो जब से आया तब से उसने हमारी लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा दिखाया, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको थोड़ा अच्छे से रखें। सो देखते हैं कैसा होता है। सो अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे, थोड़ा सा यहाँ का साफ करेंगे और फिर चलते हैं फ्लैट पे। हम लेने आए हैं मटके, तो हम मटका लाने तो गए थे, लेकिन मम्मी का ऐसा बोलना है कि ऊपर में दिया या ढक्कन टाइप चाहिए, ढक्कन होना, ऐसे नहीं लेके आते, मतलब शुभ अच्छा नहीं होता, मतलब हम आओ नाना चले। अबे कट जा रही तू आज, कहिए था रही हो नाटक ना, दो के नहीं जाना है क्या उधर। गाइस हम लोग आ गए हैं अभी हमारे फ्लैट में, क्योंकि हमको बहुत सारे काम है जैसे कि, सो जस्ट पहुंचे, बट अभी मैं ज्यादा व्लॉगिंग या वीडियो नहीं कर सकती एट प्रेजेंट, क्योंकि हमको बहुत सारे काम है, कल हमको सुबह सुबह ही आना है, सो उसके हिसाब से हमको अभी यहाँ काम करना जरूरी है बहुत सारा। सो शुरू करते हैं काम। म्याऊ के लिए लेने आए थे ये बास्केट, हमने ले लिया, पापा कर रहे हैं पेमेंट, लेट्स गो। सो ये म्याऊ, ये हमने डाल दिया म्याऊ के लिए, ये अब म्याऊ को डालना है, पापा चलो शुरू हो जाए, ये पापा तैयार है और अभी हम बैठाएंगे म्याऊ को। तो गाइस ये है मटका और ये है बास्केट, बहुत कुछ हो गया पर कुछ भी वीडियो व्लॉग नहीं करा मैंने, ना मुझे करना था ना मेरा स्टेट ऑफ माइंड था। हम यहाँ से लेके गए म्याऊ को, म्याऊ को भी गाड़ी पे बैठा नहीं था तो वो डर गया, और इसका नॉलेज मुझे था नहीं, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करती,
बास्केट में से निकल रहा था, निकला बहुत दूर नहीं गया, बिल्कुल पास ही में, मतलब बस इतना क्रॉस करके। ऐसा तो वो बहुत बार घूमता है, बहुत जगह जाता है और 5-5, 6-6 घंटे नहीं आता, ऐसा बहुत बार हुआ है। और ऐसा मैंने बहुत बार आपसे शेयर भी नहीं किया कि वो ऐसा करता है कि पूरे पूरे रात गायब रहता है और शिकार करके सुबह आता है। लेकिन सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ तक जाता है, अभी वो कहाँ तक गया है इसकी मेरे को आइडिया है। उसको ऐसा हो गया कि हम कुछ छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन हम उसको छोड़ने नहीं जा रहे थे, हम उसको फ्लैट पे लेके जा रहे थे। वो निकला, उसके आजू बाजू घूमी मैं 4-5 बार, इधर उधर गई उसके पीछे, उसको 2-3 बार मैंने गोद में भी पकड़ा, पर वो इतना डर गया था मेरे से कि उसको ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उसके घर का सदस्य हो करके। और फिर मैं इतना, मतलब मुझे इतना खराब लगा था कि मैंने भैया को फोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया, तो भैया का भी बोलना ये कि वो आ जाएगा। और जो बाजू वाले थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी, और आजू बाजू दोनों ने मेरी हेल्प करी, लोगों को तो ऐसा लगा कि हम जानवर के साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन हम उसको लेके जा रहे थे। वो डर गया कि ये हमको छोड़ने लेके जा रहे हैं। और फिर आजू बाजू के लोगों ने बोला कि उसको स्मेल सूंघते सूंघते वो घर तक आ जाएगा, भैया का भी बोलना यही है कि वो घर तक आ जाएगा। और सबसे गलत चीज ये हो गई कि जब हमको फ्लैट में कल ही जाना था, तो हम आज उसको क्यों लेके गए। तो ये मेरे बुद्धि का प्रदर्शन है, मुझे ऐसा लगा कि 4-5 घंटे में उसको लेके जा सकते हैं और वो थोड़ा देख लेगा, घुल मिल लेगा। वो अपने खुद के घर से कहीं उसको भेजना नहीं था, सारे दरवाजे विंडोज बंद ही है वहां पे, फ्लैट है ऑफकोर्स इसलिए बंद ही रहेगा। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि चलो हम उसको लेके जाते हैं। मैंने तुरंत बास्केट भी ली जैसे कि आपने देखा, बट मुझे नहीं पता कि यहाँ से जाने के बाद वो वहां कैसे। वैसे भैया का भी बोलना ऐसा है कि वहां उसके लिए बहुत चैलेंजेस है, फ्लैट में उसके लिए बहुत चैलेंजेस है। एक तो 34-36 फ्लैट्स है वहां पे उस बिल्डिंग में, और आजू बाजू में सब नया है एरिया, ज्यादा सिटी एरिया नहीं है वो, और वहां सारे टाइप के जानवर है। यहाँ जैसे उसको 7-8 महीने से है, वो तो थोड़ा फैमिलियर हो गया था ये जगह से, ये मोहल्ले से, हमारे घर से, उसको पता था कहाँ से घुसना है कहाँ से। तो वहाँ बहुत चैलेंजेस है ऐसा था, और वहाँ पे वो कैसा रहेगा ये हमको भी नहीं पता था, लेकिन हमारे से जितना होता था इतना हम करते थे। तो अभी ऐसा हो गया, रास्ते में ले जाते ही ऐसा हो गया, तो पता नहीं वहाँ का कैसा होगा। सो मैं बहुत डरी हुई हूँ, और मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ कि बस मेरा म्याऊ यहाँ आ जाए, इस घर में आ जाए। अगर यहाँ उसको छोड़ के जाना भी पड़े तो भी मुझे कोई गम नहीं, कि एटलीस्ट वो यहाँ आते जाते रहेगा, उसको पता है यहाँ सरवाइव कैसा करना है, घर है, ये घर बंद नहीं रहेगा, पापा आते जाते रहेंगे, छोड़ रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको, मतलब यहाँ आएंगे नहीं, ये हमारा ही है और हम यहाँ आने वाले हैं। तो पर पता नहीं, मतलब यहाँ उसको सब पता है, उसके लिए हम रोटी की उसके जो फेवरेट्स है जैसे शेव हो गया, मुरमुरा हो गया, इसकी हम सोए कर सकते हैं। गद्दी है यहाँ पे तो वो उसके ऊपर सो सकता है, तो देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स जो वो यहाँ आके कर सकता है। बट वही है कि वो अभी कहाँ गया और कितने देर में आने वाला है मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो मुझे बहुत अफसोस है, मैं वहाँ ही रो भी थी, मैंने बहुत रोई, इसलिए मैंने भैया को कॉल करी क्योंकि कुछ नहीं समझ रहा था। मैंने भैया को कॉल किया कि देखो इससे बात करके शायद मेरे दिमाग में करंट बैठे, तो मैं शांत तो हो गई हूँ कि नहीं मैं बहुत बार घंटे घंटे बाहर रहता है तो आ जाएगा अगर उसको आना है तो, और उसका लिखा है यहाँ पे रहना। इसलिए पता है मैं जानवर इसलिए नहीं पालती, तो अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। और फिर सॉरी पर मुझे है अब क्या गलती बोलूं या ना समझी बोलूं या इतना ही है या कैसे होगा क्या कुछ पता नहीं मुझे। आई होप नया आ जाए और बस यहाँ पे भी आ जाए ना तो भी काफी है। फ्लैट पे लेके जाना नहीं लेके जाना वो विचार करेंगे अपन, भैया क्या बोलता है उसके ऊपर। बट मेरी हिम्मत नहीं है कि हाँ बाजू वाले आ गए थे तो उनसे बात करी थी, बट आई थिंक ये निर्णय लगेगा अब कि उसको यही घर में रहना चाहिए। यहाँ के सारे लोग, 4-5 घर है, सब लोग उसको पहचानते हैं, खाने वाने का उसको कोई टेंशन नहीं, उसका शिकार भी देख लेता। बहुत ही डेंजरस उसके लिए फ्लैट, पता है वो अपने जान से कब हाथ धो बैठेगा उसको पता नहीं चलेगा, फ्लैट ऐसा है। और देर इज लॉट्स ऑफ थिंग, यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता था बिकॉज ये मोहल्ला था। फ्लैट में ऐसा होता है तुम्हारे मैं उन्हें हमारे यहाँ पे आके ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ,
सो इट्स वेरी डिफिकल्ट उसके लिए भी और हमारे लिए भी. सो पता नहीं कैसा होगा. पापा मुझे लेने आएंगे तो जाऊंगी फ्लैट पे. बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बट सॉरी म्याऊ, सॉरी मेरा बच्चा, सॉरी रे म्याऊ आ गया, म्याऊ आ गया, म्याऊ कैसे जाएगा माँ? पापा चाबी दो यहाँ की. तो गाइज हम लोग आए थे फ्लैट पे, हम लोग को आने को टाइम हो गया, मैंने आपको बताया था. फिर म्याऊ का इतना सारा हो गया, फिर म्याऊ को छोड़ के भी हम फिर वापस आ गए क्योंकि हमको फ्लैट का काम था, क्योंकि कल का मुहूर्त है. और फाइनली हम फ्लैट का जितना काम हमारे से हो सकता बहुत सारा हमने किया. अब हम जा रहे हैं घर पे और आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा. तो गाइज मैं मम्मी को छोड़ के आ चुकी हूँ, अब आई हूँ मैं पापा को लेने के लिए. जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास गाड़ी है. तो हम घर आ चुके हैं, पापा और मैं भी आ गए हैं. ये हमारी यहाँ के घर की वैसे तो लास्ट नाइट है, फिर हमारा जो रूटीन है वो घर से शिफ्ट होगा. और ये देखो म्याउड़ी, इसको गमता नहीं है हमारे बिना, पर ये क्यों पता नहीं डर गया होगा, डर गया होगा. और इसने ऐसा किया तो मैं डर गई. सो गाइज अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे. हमने रात सुबह ही ज्यादा बना के रख लिया था ताकि हमको अभी इतना शिफ्ट होने के बाद कहाँ खाना बनाएंगे ना, सीधी सी बात है. और बाहर बाहर का हमको लाना नहीं था. सो अभी हम लोग बस खाएंगे सो जाएंगे क्योंकि टीवी के कनेक्शन वगैरह भी सब निकल गए तो नहीं देखेंगे कुछ भी. सो ये वाला व्लॉग करते हैं हम एंड. आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो और कल से आपको आई होप सो डेली फ्रिक्वेंटली आपको वीडियो व्लॉगिंग मिले मेरी देखने के लिए, क्योंकि वहां कैसे सेट हो रहा है, क्या सेट हो रहा है ये भी बताना है. सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट. अगर आपको पसंद आए तो लाइक करे, शेयर करे, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करे एंड बाय बाय.